नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं जीव विज्ञान बायोलॉजी कक्षा 10 चैप्टर नंबर 1 जौ परक्रम पोषण इंटरनेट क्वेश्चन पेपर NCERT पैटर्न पर आधारित। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, छोटी आंत में पाए जाने वाले रसकूर का क्या कार्य है। रसकूर का क्या कार्य है, तो अवशोषण करता है वो। आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है, तो माइटोकांड्रिया में होती है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, पादप में अनक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद है, अंतिम उत्पाद है, तो इथाइल एल्कोहल। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी नंबर। खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है, तो तितली में। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, तो स्टार्च। यहाँ पे आंसर होगा आपका डी नंबर। इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा NH3 सी नंबर। कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है, कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है, लाइपेज। यहाँ पे आंसर होगा आपका सी नंबर। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा YY ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 9 नंबर का, ह्वेल मछली का होता है ए नंबर। अब क्वेश्चन है आपका, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी।
तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं तिलचट्टा में, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 10। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब क्वेश्चन है फोलियम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, तो अमीबा में अधिकांश पोषण जो है आपका अंत ग्रहण से होता है, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो पौधे का रंग आपका हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, आंसर हो जाएगा ये नंबर। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में पाया जाता है स्पॉन्ज, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे द्वार कोशिकाएँ ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो है आपका रंध्र से होता है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब में मापने में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि एस्फाइग्नो मैनोमीटर, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब है आपका 20 नंबर, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्वाह के मार्ग को रक्त का थका बनाकर अवरोध करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 20 के सी नंबर, यानी कि प्लेटलेट्स। इस तरह से आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दूसरे चैप्टर से लेकर आएंगे नियंत्रण एवं समन्वय से क्वेश्चन। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा।